चार धाम यात्रा शुरू होगी ना आज। तो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको हरिद्वार दिखाता हूँ। आज देखिए हरिद्वार में कितनी भीड़ है। आज जो है हम आए हैं, आज जो है चार धाम की यात्रा भी खुली है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। केदारनाथ की अभी यात्रा नहीं खुली है, लेकिन आज हम आए हैं तो देखिए कितनी भीड़ है। और आपको अभी हम देखिए हर की पौड़ी सामने दिख रही है, ये मंदिर जो है हर की पौड़ी का है और हम आपको अब हर की पौड़ी पे लेके चलते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे जो है हमें अपनी चप्पलें उतारनी है, चप्पलें उतारने के बाद जो है हम सारे ऊपर की तरफ चलेंगे, जो हर की पौड़ी का रास्ता है ये। तो अभी चप्पलें उतारते हैं हम। तो गाइस देखिए हम आ गए हैं हर की पौड़ी पे और देखिए कितनी भीड़ है, कितना ज़्यादा रश है आज, क्योंकि आज जो है आपको बताया था चार धाम यात्रा का आज पहला दिन है और एक विशेष स्नान भी है आज, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और देखिए घंटाघर का टावर है ये, और आपको तो शायद पता ही होगा कि गंगा माँ को क्यों पूछते हैं, क्यों इतनी महत्ता है इनकी, क्योंकि जो है इनमें स्नान करने से जो है सभी पापों का नाश होता है और जो भी आपने जो पूरे कर्म हैं उनसे जो है मुक्ति मिलती है। तो आपको शायद पता हो कि गंगा माता की क्या कहानी है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक राजा हुए थे, राजा भगीरथ, तो जो है उनके एक जो कुल में थे उनके जो बड़े पूर्वज थे उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। तो उसमें जो है एक तो जो है अश्वमेध यज्ञ में जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा था तो उस घोड़े को एक चलते चलते वे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था जहाँ पे वो ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उस तपस्या को उसकी वजह से भंग हो गया था, तो उसने ऋषि ने श्राप दे दिया था और वो श्राप के कारण उनके सभी वंशज वहीं ख़त्म हो गए थे। तो जो राजा भगीरथ थे तो उन्होंने जो है उनके सभी की मुक्ति के लिए शिव जी भगवान का जो है तपस्या की थी और गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे जिससे कि उनके पापों का नाश हो सके और उन्हें मुक्ति मिल सके। तो इसलिए तो अपनी उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करके तो उनके जो है मुक्ति करवाई थी, तो इस वजह से इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आइए अभी आप दिखाते हैं, अब हम स्नान के लिए चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको स्नान कैसे करेंगे इतनी भीड़ में। अभी सबको आ जाने दीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था पर अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है और भीड़ का आलम देखिए कितना बुरी तरह है, कितनी भीड़ है। और अभी जो है नहाने के लिए हमें जो है इस घाट पे ही जाना है, तो देखिए कितनी भीड़ है अभी। तो थोड़ी भीड़ छट जाए तो फिर चलेंगे हम आपको दिखाने। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। और देखिए उधर जो है महिला घाट है, ये उधर की साइड, और ये जो है हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी पे स्नान का इसलिए महत्व है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहाँ पे जो है अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी, तो यहाँ का पानी कभी भी कहीं पे भी कितने भी साल तक रख लो कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते और ना ही ख़राब होता है, इसलिए यहाँ हर की पौड़ी का ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम हर की पौड़ी पे ही स्नान करेंगे। वैसे तो देखिए सारे इतने सारे घाट हैं और सब जगह पर यहाँ पे दबाव पूरी भीड़ हो रही है और यात्री बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए किस तरह से अभी हमारे घर के जो लोग हैं वो अभी तक आए नहीं हैं और जैसे ही आ जाएंगे फिर हम भी स्नान करेंगे, क्योंकि उस घाट पे जो है हर की पौड़ी पे कुछ छेड़ सी हो रही है तो वहीं पे चलेंगे वो अभी। देखिए आप घर बैठे बैठे यहाँ पे हर की पौड़ी का मजा लीजिए कि देखिए हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ है, किस तरह से स्नान होता है। आप भी आए होंगे, अगर नहीं आए तो ज़रूर आइए क्योंकि एक बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं विदेश विदेश से और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लेकिन संडे के दिन बताइएगा क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि सभी की छुट्टी होती है इस वजह से, और आज एक कुछ विशेष वो भी है चार धाम यात्रा का और कोई त्यौहार भी है इस वजह से, एकादशी वगैरह है तो उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे है, ये है पूरे हरिद्वार का व्यू जो कि मैंने ऊंचाई पे आके आपके लिए लिया है। तो देखिए कितनी भीड़ हो रही है, आपको सिर्फ सीधे सीधे दिख रहे होंगे, ये देखिए क्या हालत है।
क्या माहौल है यहाँ का। ये देखिए इधर ये मार्केट का रास्ता है, तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पे गंगा जी के पास। यहाँ पे जो है अभी हमारी मम्मी और बुआ जी और स्नान कर रहे हैं, ये बच्चे भी यहीं घुस रहे हैं। तो गाइज़ आपने गाना तो सुना ही होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। तो आप क्या मानते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इस बार मेरी इस वीडियो में जो है कमेंट से भर दीजिएगा से पूरा। देखिए कितने मजे से सब लोग यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है हम नहा के आ चुके हैं और बहुत ही मजा आया। बहुत जब हम पानी में गए तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी था, बहुत ज्यादा ठंडा। और लेकिन जब हम पानी में थोड़ी देर रहे तो बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा। और निकलने का मन नहीं कर रहा था, खैर हमें बहुत देर हो गई थी तो इस वजह से हम जो है बाजार की तरफ जाएंगे। तो आप इस ब्लॉग में बने रहे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक करें और कमेंट्स करते रहें, जिससे कि इससे बहुत सारे कमेंट्स करना इस बार, और बहुत अच्छा ब्लॉग रहेगा आपको। और देखिए अभी भी कितनी भीड़ है, देखिए गाइस कितनी भीड़ हो रही है। ये मार्केट पे जाने का रास्ता, और ये जो है यहाँ पे इस तरह से मंदिर बने हुए हैं। तो आइए अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइज ये बाजार में घुसते सारे यहाँ पे शुरू में जो है मोहनपुरी वाला है, रामजीपुरी वाले हैं, और ये मोतीलाल पुरी वाला है। यहाँ की जो है पूरियाँ बहुत मशहूर हैं, और देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी हम जो है किसी रेस्टोरेंट में किसी ढाबे में देखते हैं यहाँ पे कहीं जगह मिलेगी तो हम भी वहाँ पे जाके पूरी खाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी भीड़ चल रही है यहाँ पे। आज बाजार में भी बहुत ज़्यादा रश है आज यहाँ पे हरिद्वार में। तो फ्रेंड्स खाने के लिए ये पूरी और छोले सब्जी हमने मंगवाई है, और ये खाने के बाद जो है बाहर निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए ये है यहाँ पे कुछ मार्केट का, देखिए किस तरह की मार्केट है ये। और जो है हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, मार्केट में तो हम गए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया, बहुत ज़्यादा रश हो चुका है आज। ये गाय माता घूम रही है यहाँ पे, इनसे बच के। तो फ्रेंड्स ये आप देख देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ है, और देखिए भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और आप भी कभी हरिद्वार आना चाहें तो विशेषकर संडे के दिन ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपका टाइम जो है उस टाइम पे आ सकते हैं। लेकिन संडे के दिन देखिए क्या हाल रहता है हरिद्वार का, कितना रश है। ये जो है हमारे घर में जो बुआजी आई हुई हैं, और सलोनी गुड्डू और बच्चे जो हैं देखिए मछलियों को दाना खिला रहे हैं यहाँ गंगा जी के पास खड़े होकर पुल के ऊपर। मैंने देखा, मैं जब जा रहा था तो देखा ये मछलियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो अच्छा है, ये भी एक पुण्य का काम है। और कहते हैं इससे ग्रह भी अच्छे चलते हैं, जो दोष होते हैं वो ख़त्म होते हैं। तो आप भी आएँ और मछलियों को दाना खिलाएँ। फ्रेंड्स आखिरकार हम जो है सब अपना मार्केट में शॉपिंग वगैरह करके और सब अपना काम निपटा के अब जो है अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं, और फिर जो है घर के लिए चलते हैं, है ना। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ यार अपने दोस्तों को शेयर करो, वो भी हरिद्वार आना चाहेंगे तो वो भी देखेंगे इस ब्लॉग को। और
हरिद्वार की जानकारी लेंगे। और संडे को देखिए मत आइए, तो बहुत ज़्यादा रश मिलता है, बहुत परेशान हो जाओगे आप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।